सत श्री अकाल। टॉप 10 न्यूज देख रहे हैं सारे दर्शकों का स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने 3 जनवरी नूं पार्टी दीआं कई अहम मीटिंगां बुलाईआं ने। पार्टी दी कोर कमेटी दी मीटिंग बुधवार नूं दोपहर 12 बजे सुखबीर बादल दी प्रधानगी हेठ होवेगी। सूत्रां अनुसार बुधवार नूं बाद दोपहर 3 बजे अकाली दल दे जिला प्रधानां, पार्टी दे सारे विंगां दे प्रधानां अते वख-वख विधानसभा हलकियां दे सारे इंचार्जां दी संयुक्त मीटिंग होवेगी। इन्हां मीटिंगां च अकाली दल सूबे दी मौजूदा सियासी स्थिति बारे विचार प्रांतरा करेगा अते अपनी भविख रणनीति नूं अंतिम रूप देवेगा। डीएसपी दलवीर सिंह दी मौत तो बाद जलंधर कमिश्नरेट पुलिस दी बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक डीएसपी दलवीर सिंह दे सिर दे पिछले पासे सट दा निशान सी अते उत्थों काफी खून निकल रहा सी। पुलिस इस मामले नूं दुर्घटना नाल जोड़ के देख रही सी पर हुण सामने आया है कि इह कतल दा मामला है। हुण इह स्पष्ट हो गया है कि मृतक डीएसपी दी मौत गोली लगन कारण हुई है। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 2 ਖੋਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 2023 ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। बिहार की राजधानी पटना समेत सूबे के कई जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी के ट्रक ड्राइवर ने भी सड़क जाम कर दी है। गुजरात के द्वारका जिले के रणपिंड बोरवेल च डिगी 3 साल बच्ची नूं बचा टीम ने रात 10 बजे के करीब बाहर कढ़ लिया पर बच्ची बेहोश हो चुकी थी। लड़की नूं इलाज लई हस्पताल लिजाया गया जिथे उसकी मौत हो गई। गुजरात पुलिस, सेना और राष्ट्रीय आफत रिस्पोंस फोर्स ने सांझे तौर पर बचाव मुहिम चलाई। बचाव मुहिम दौरान द्वारका जिला कलैक्टर अशोक शर्मा समेत सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद सन। बच्ची की पछाण एजल वजो हुई है जो दोपहर 1 बजे के करीब अपने परिवारिक घर के सामने खेल रही थी। इस दौरान वह खुले बोरवेल के अंदर फिसल गई। जदों उसनू कढ़िया गया तो इलाज दौरान उसकी हस्पताल विखे मौत हो गई। पंजाब च ट्रक यूनियन की हड़ताल कारण चीजा की सप्लाई प्रभावित होनी शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल की किल्लत वधन लगी है। ट्रक ड्राइवर ने हिट एंड रन मामलों से संबंधित नए कानून के विरोध में आवाजाही ठप कर दी है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। इसके उल्ट कुछ घंटों में ही पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। कई पंप वाले ने बकायदा नो ऑयल के बोर्ड भी लगा दिए। पेट्रोल डीजल की किल्लत कारण बस सेवा भी प्रभावित हो रही है। कई थावां पर बकायदा बसा बंद कर दी गई ने। इस हड़ताल का खमाइजा वाहन चालकों के नाल नाल उन्हां लोकां नूं भी भुगतना पै सकदा है जिहड़े रोजाना बसां च सफर करके अपने कम्मां ते पहुंचदे ने। जेकर पंपां ते तेल नहीं मिलेगा तां बस सेवा प्रभावित होना लाज़मी है। ATPV दे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट श्री करतारपुर साहिब नूं फंड जारी करना शुरू कर दिता है जो कि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब कोरीडोर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट वाली स्वयं मालिया पैदा करने वाली संस्था है। यह प्रोजेक्ट एक वीजा मुक्त सरहदी लांघा अते धार्मिक गलियारा है जो पाकिस्तान च गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब नूं भारत च गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक नाल जोड़दा है। सरहद पार सूत्रा अनुसार पाकिस्तान सरकार तो मंजूरी तो बाद ATPV ने मुढ़ली किश्त वजो 70 लाख रुपए की राशि जारी की है। जनवरी 2024 तो बोर्ड PMU श्री करतारपुर साहिब नूं 13 करोड़ रुपए का महीनावार भुगतान मुहैया करेगा जो कि उत्थे बन वाले दर्शनी ड्यूटी अते सिख रिजोर्ट ते खर्च किया जाएगा। ATPV PMU श्री करतारपुर साहिब नूं इसकी वित्तीय स्थिति नूं स्थिर करने लई 2 सालां च 312 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया करेगा। पंजाब भर च पेट्रोल डीजल की किल्लत तो बाद हुण घरेलू अते कमर्शियल गैस की सप्लाई नूं लैके हाहाकार मचनी शुरू हो गई है। दरअसल गैस कंपनियां नूं रिफाइनरी तो सप्लाई ना मिलन कारण एजेंसियां दे हालात बिगड़ने शुरू हो गए ने। सवेर तो पेट्रोल डीजल नूं लैके सूबे च हफड़ा तफड़ी वाला माहौल पैदा हो चुका है। दसनयोग है कि भारत सरकार ने हालांकि ब्रिटिश इंडियन पैनल कोड नूं भारतीय सजा जाफ्ता च बदलते हुए कानून च कई सख्त बदलाव किए ने। उन्हां च एक मुख्य बदलाव सड़क हादसों च होने वाली मौतों नाल संबंधित है।
सबका डीजीपी सरकार दीआं मुश्किलां वध गईआं ने। पंजाब सरकार ने सबका डीजीपी खिलाफ दो वख-वख मामलिआं च जांच करन दे हुकम दित्ते ने। इस च पहला केस इक जबर जनाह दे मुलजम ते भगौड़े अपराधी नूं पुलिस सुरक्षा दे अते दूसरा केस नियम दी उलंघना करके अपनी सुरक्षा च 40 सुरक्षा गार्ड रखण दा ए। इन्हां इल्जामां दी सूबा सरकार ने जांच दे आदेश दित्ते ने। जानकारी मुताबक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जांच किसी सेवा मुक्त जज तों करवाउण दा फैसला कीता ए। जापान च आए लड़ीवार शक्तिशाली भूचाल कारण मरन वालियां दी गिनती 50 दे करीब हो गई अते कई इमारतां वाहनां अते किश्तियां नूं नुकसान पहुंचिया है। अधिकारियों ने भूचाल दे खतरे नूं वेखदे होए चेतावनी जारी करके कुछ खेतरां च लोकां नूं अपने घरां तों दूर रहण लई कहा है। जापान दे इशिकावा प्रीफेक्चर अते आसपास दे खेतरां च सोमवार नूं दोपहर नूं भूचाल दी इक तों वध इक कई झटके महसूस कीते गए, जिस च सब तों वड्डा झटका 7.6 तीव्रता दा भूचाल वी सी। अधिकारियों ने दस्सिया कि इशिकावा च 48 लोकां दी मौत दी पुष्टि हुई है अते 16 दे करीब गंभीर जख्मी हुए ने। केंद्र सरकार दे फैसले खिलाफ ड्राइवर यूनियन वल्लों हड़ताल दे चलदिआं चंडीगढ़ दे पेट्रोल पंपां ते वी वाहन चालकां दीआं लंबीआं लाइनां लग गईआं ने, जिस कारण शहर च ट्रैफिक जाम हो गया है। इत्थे सैक्टर 7 ते पेट्रोल पंप, सैक्टर 33 अते ट्रिब्यून चौंक दे सामने तेल भरवाउण वाले लोकां दीआं पेट्रोल पंपां ते लंबीआं लाइनां लगीआं होईआं ने। कई थावां ते पुलिस वल्लों ट्रैफिक नूं कंट्रोल कीता जा रिहा है। ट्रक अते ट्रांसपोर्ट यूनियन दी हड़ताल दा असर पूरे शहर च दिखाई दे रिहा है। इत्थे कई पेट्रोल पंप मालकां दा कहना है कि उन्हां कोल सिर्फ 2 दिनां दा पेट्रोल ही बचिआ है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज़ च इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।